السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आज की हमारी क्लास सूरह हज आयत नंबर 58। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وقر الذين वो लोग जिन्होंने हाजरू हिजरत की, हाजरा हिजरत करना, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खातिर, सुम्मा फिर कुतिलू वो कत्ल कर दिए गए, कतला उसका पैसिव है कुतिला, कतला यक्तुलू माने कत्ल करना और कुतिला कत्ल कर दिए जाना, सुम्मा कुतिलू फिर वो कत्ल कर दिए गए, औ मातू या उनको मौत आ गई, माता है मृत्यु माने होता है मरना, औ मातू या वो, औ या मातू वो मर गए, ला यरजुकन्ना लाम ताकीद के लिए है, रज़क़ा या रुज़ुक़ माने होता है रोजी देना, ला यरजुकन्ना नून तशदीद जरूर रोजी देगा हम उनको अल्लाह अल्लाह, रिस्कन हसना अच्छी रोजी, व इन अल्लाह हसन अच्छा, वो इन अल्लाह और बेशक अल्लाह हुआ वो खैरुन बेहतरीन राज़िकीन रिस्क देने वाला, राज़िक माने होता है देने वाला रिस्क देने वाला और राज़िकीन प्लूरल है तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए है सबसे अच्छा रिस्क देने वाला है, ये इसमें तफजील है तो ये कंपैरिजन के लिए आता है। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में अपना वतन छोड़ा फिर वो कत्ल कर दिए गए या वो मर गए, अल्लाह जरूर उनको अच्छा रिस्क देगा और बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيُدْخِلَنَّ यहाँ भी ताकीद के लिए है और ये वाली जो तरकीब होती है अरबी में बहुत ज्यादा जोर देकर कोई बात कहने की होती है, अदखला युदखिलु माने होता है दाखिल करना, नून तशदीद के लिए लयुदखिलन्ना वो जरूर दाखिल करेगा अल्लाह हम उनको, मुदखल अदखला से मुदखल होता है जिसको दाखिल किया जाए वो या दाखिल करने की जगह, तो यहाँ पर जगह मुराद है, उनको दाखिल करेगा वो जरूर मुदखलन ऐसी जगह में, यरजौना रजिया माने होता है राजी होना, यरजा मुजारे फॉर्म है, यरजौना या थर्ड पर्सन के लिए वाउन नून प्लूरल के लिए, यरजौना वो खुश हो जाएंगे उससे, वह इन अल्लाह और बेशक अल्लाह लालीमुन सब जानने वाला, हलीमुन बुर्दबार है, वो उनको ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो राजी होंगे और बेशक अल्लाह जानने वाला हिल्म वाला है। ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك ये बात तो हो गई, अब पीछे जो बात हुई अब आगे एक और बात है, वमन और जो आकबा, आकबा युआकिब मुआकबा माने होता है सजा देना पकड़ करना, और जो सजा दे बिमिसली वैसी ही सजा, मा जो उकिबा आकबा का पैसिव है उकिबा, उकिबा उसको सजा दी गई भी जो, तो जो सजा उसको दी गई या जैसी सजा उसको दी गई उसी के मिसल वो सजा अगर देता है तो इसकी इजाजत है, मतलब बदला लेना जिसको हम बदला लेना बोलते हैं, सुम्मा बुगिया फिर बगा आला माने होता है ज्यादती करना, बगा आला ज्यादती करना, तो बगा का पैसिव है बुगिया,
फिर ज्यादती की गई आली ही उस पर, यानी उसने अपने जितने उसको सजा दी गई थी उसको सताया गया था उतना उतना उसने बदल लिया। अगर फिर उसको दोबारा से परेशान किया गया, लयनसुरन्नहुल्लाह, तो अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह लाफुवुन, माफ करने वाला है, गफूर, बख्शने वाला है। तो यहां पर देखिए अल्लाह की ये वाली सिफत बयान करी है अल्लाह ने इसके बाद, कि इसकी इजाजत तो है लेकिन अगर माफ कर दो तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है, अल्लाह ताला उस चीज को ज्यादा पसंद करता है। ये हो चुका, वो जो शख्स बदला ले वैसा ही जैसा उसके साथ किया गया था, वो फिर उस पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह जरूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला है। ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ، ये अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह की एक कुदरत का एक मजहर ये है, बेशक वो है, बेशक अल्लाह, इस वजह से कि बेशक अल्लाह, यूलिजु वाउला जी, वलजा माने होता है दाखिल होना, और औलजा इसका माने होता है दाखिल करना। बेशक अल्लाह दाखिल करता है अल्लैल, रात को, फिर नहार, दिन में, वयूलिजु नहार, और वो दाखिल करता है दिन को, फिर लैल, रात में, व अन्न अल्लाह, और बेशक अल्लाह समीउन, सब सुनने वाला, बसीरुन, सब देखने वाला है। तो अल्लाह इतने कुदरत वाले हैं, अल्लाह उसकी मदद पर कादिर है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ذَلِكَ، ये इस वजह से अल्लाह, कि बेशक अल्लाह हुआ वो अल्हक, हक है, कि अल्लाह ही हक है, अल्लाह ही हक है। वो अन्ना, और बेशक, मा यदउना, जिसको ये दुउना, दा यदउना होता है पुकारना, ये दुउना ये लोग पुकारते हैं, मिन दून ही, अल्लाह को छोड़कर, हुआ वो सब अल्बातिल, बातिल है, झूठ है। वो अन्ना, और बेशक अल्लाह हुआ वही अली, बुलंद है, अल कबीर, बड़ा है। इसलिए कि अल्लाह ही हक है और वो सब बातिल हैं जिन्हें अल्लाह को छोड़कर लोग पुकारते हैं, और बेशक अल्लाह ही सबके ऊपर, सबके ऊपर है, अली माने ऊपर, बुलंद, सबके ऊपर है, सबसे बड़ा है। अलम तर अन्ना अल्लाह अनज़ला मिनस समाई माअन फतुस्बिहुल अर्ضु मुख़ज़र्रा इन्ना अल्लाह लतीफ़ खबीर। अलम तरा, क्या नहीं देखा तुमने, अन्ना अल्लाह, के बेशक अल्लाह, अनज़ला, उसने नाजिल किया, मीन समाई, आसमान से, माआ, पानी, फतुस्बिहुल अर्ज़ु, असबहा माने हो जा होता हो जाना, फतुस्बिहुल अर्ज़ु, फिर हो जाती है, अल अर्ज़ जमीन, मुखज़र्रा हरी भरी, जमीन पर पानी गिरता है और फिर वो हरी भरी हो जाती है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, लतीफ़ुन, मेहरबान है, खबीरुन, खबर रखने वाला है। लतीफ का एक मीनिंग तो देखे ये होता है, मेहरबान होना, लफाफा किसी के साथ आता है, बाग के साथ, जैसे बेहद माने होता है मेहरबान होना, किसी पर शफकत करना। लतुफा माने एक ये भी होता है, बारीक होना, बारीक भी होना, हर एक चीज पर नजर रखने वाला, खबीरुन, हर एक चीज को जानने वाला। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर जमीन सरसब्ज हो गई, बेशक अल्लाह बारीक भी है, यानी हर एक चीज को देखने वाला है, खबर रखने वाला है, खबीर। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ض व इन्ना अल्लाह लहुवल गनीउल हमीद। लहू उसी के लिए है, माफी समावाद, यानी उसी का है माफी समावाद,
जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्ध, जो कुछ जमीन में है। वो इन अल्लाह बेशक अल्लाह लहुवा वही अलगनी बेनियाज है, अलहमीद तारीफ वाला है, हम्द से बनाए हमीद तारीफ वाला। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, बेशक अल्लाह ही है जो बेनियाज है तारीफों वाला है। अलम तर अन्न अल्लाह सख्खर लकुम मा फिल अर्ज वल फुल्क तजरी फिल बहर बि अम्रिह ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم। ألم ترى، क्या नहीं देखा तुमने, أن الله के बेशक अल्लाह सखरा उसने मुसखर किया लकुम तुम्हारे लिए मा फिल अर्ध जो कुछ जमीन में। सखरा माने होता है काबू में देना, आसान करना ये भी होता है, और काम में लगाना, काम में लगाना किसी को। तो उसने मुसख़्ख़र किया यानी तुम्हारे लिए काम, तुम्हारे काम में लगाया जो कुछ जमीन में, और आसान कर दिया तुम्हारे लिए जमीन की चीजों को, तुम्हें उन पर कुदरत है। सख़्ख़र लकुम मा फ़िल अर्ध जो कुछ जमीन में है वो सब तुम्हारे लिए मुसख़्ख़र किया। वल फुल्का और जो वल फुल्क कश्ती और कश्ती को मुसख़्ख़र किया। तजरी जरा जरी माने होता है चलना, वो चलती है फिल बहरे समंदर में भी अम्र ही उसी के हुक्म से। वयुमसिकु अमसका युमसिकु माने होता पकड़ना, वयुमसिकु समा और वो पकड़ता है आसमान को। अंतका वका यकाउ माने होता है गिरना, अंतका कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए अल अर्ज जमीन पर इल्ला मगर बिजनी उसी के इज्न से, यानी उसका इज्न होगा तो गिर जाएगा। इन अल्लाह बेशक अल्लाह बिन नासी लोगों पर लरऊफ मेहरबान है, रहीम रहम करने वाला है। क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ने जमीन की चीजों को तुम्हारे काम में लगा रखा है और कश्ती को भी, और उसके हुक्म से वो उसके हुक्म से समंदर में चलती है, और अल्लाह आसमान को जमीन पर गिरने से थामे हुए हैं, मगर ये कि उसके हुक्म से बेशक अल्लाह लोगों पर नरमी करने वाला मेहरबान है। وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور। وهو وهي الذي जिसने أحياكم أحيا يحيي माने होता है जिंदगी देना जिंदा करना। वही है जिसने أحياكم तुमको जिंदगी दी, ثم फिर يميتو أمات يميتو मौत से बना है, फिर वो तुमको मौत देगा, ثم फिर यही को वो तुमको जिंदगी देगा जिंदा करेगा दोबारा। इन दल इंसाना बेशक इंसान लकफूर ना शुक्रा है। कफूर काफिर का ये मुबालगे का सिवा जिसमें मुबालगा मतलब होता है ज्यादती करना, माने में इसमें ज्यादती होती है, टेम्परेचर और बढ़ जाता है। और वही है जिसने तुमको जिंदगी दी फिर वो तुमको मौत देता है फिर वो तुमको जिंदा करेगा, बेशक इंसान बड़ा ही नाशुकरा है। लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन्हुम नासिकूहु फला युनाज़िउन्नका फिल अम्रि वद्उ इला रब्बिक इन्नका लअला हुदन मुस्तकीम। लिकुल्ली उम्मतिन हर एक उम्मत के लिए जअलना हमने बनाया, यानी हर एक ग्रुप के लिए हमने बनाया मनसकन। मनसक पीछे भी आया था मुनसिन का से बनता है, इसका माने कुर्बानी भी होती है और इबादत। मनसकन इबादतें हमने इबादत का तरीका हमने हर एक उम्मत के लिए बनाया। नासिकु नसक माने इबादत करना, नासिकु वो इस तरीके पर चलते हैं, वो उस तरीके को फॉलो करते हैं, उस तरीके के हिसाब से वो इबादत करते हैं। फला तो ना युनाज़िउन्ना नाज़ा युनाज़िउ माने होता है नज़ा माने होता है झगड़ना, नज़ा झगड़ना एक दूसरे को खींचना। फला युनाज़िउन्ना तो वो तुमसे ना झगड़े फिर अमर मामले में, दीन के मामले में तुमसे ना झगड़े, यानी वो इस बात को लेकर झगड़ते हैं कि पहले तुम कहते हो कि ये दीन इब्राहिम ही है, यानी इब्राहिम का दीन है, और पहले
नबियों की उम्मत में तो ये था और तुम ये बता रहे हो। तो ये ऐसा है कि अल्लाह के हुक्म से ये सारी चीजें होती हैं, अल्लाह अपने हुक्म से तब्दील भी कर देता है हुक्मों को, हर नबियों के वक्त में अल्लाह ने हुक्म में तब्दीली की। तो अब ये नबी हैं, इनके हिसाब से तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, जो ये कहते हैं अल्लाह के हुक्म से उनको पालना है। तो फला युनाज़िउन्नका, तो ये ना झगड़े आपसे फिलहाल मामले में, वदो और आप पुकारिए बुलाइए इला रब्बिका अपने रब की तरह, इन्नका बेशक आप, ला आला लाम ताकीद के लिए, इन्ना के लिए आता है, आला माने पर, बेशक आप पर मतलब ऊपर, हुदा हिदायत मुस्तकीम सीधा, आप सीधे रास्ते पर हैं, ठीक है, हिदायत पर हैं, सीधी राह पर हैं। और हमने हर उम्मत के लिए एक तरीका मुकर्र किया कि वो उसकी पैरवी करते थे, बस वो इस मामले में तुमसे झगड़ा न करें और तुम अपने रब की तरफ बुलाओ, यकीनन तुम सीधे रास्ता रास्ते पर हो। वो इन जादलूक फकुलिल्लाहु अअलमु बिमा तअमलून, वो इन पर अगर जादलू का भी आपसे झगड़ते हैं, फकुल तो कह दो अल्लाहु अअलम, अल्लाह ज्यादा जानता है, बीमा उसको जो तअमलून तुम करते हो, अमल माने होता करना, अमल करना, जो तुम अमल करते हो, जो तुम करते हो, वो सबको अल्लाह जानता है। और अगर वो तुमसे झगड़ा करें तो कहो कि अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, अल्लाह और अल्लाह सब कुछ जानता है, और अल्लाह ही अल्लाह यहकुम हकम यहकुम फैसला करना, हुकुम लगाना, अल्लाह फैसला करेगा बैनकुम तुम्हारे बीच में, यौमल क़ियामा कयामत के रोज, फीमा उन चीजों में, कुंतुम फीही जिनमें, तख्तलिफून तुम इख्तलाफ करते थे, तुम झगड़ते थे, एक दूसरे की मुखालफत करते थे, और कयामत के दिन तुम्हारे दरमियान इस चीज का फैसला कर देगा जिसमें तुम इख्तलाफ कर रहे हो। أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, أَلَمْ تَعْلَمْ, क्या तुम नहीं जानते कि अन्न अल्लाह के बेशक अल्लाह है, यालम वो जानता है, मा फिस समाई जो कुछ आसमानों में है, वल अर्ध और जो कुछ जमीन जमीन और आसमान में जो कुछ है वो सब अल्लाह के इल्म में है, इन नजाली का बेशक ये थी किताबी एक किताब में है, रिकॉर्ड है, इन नजाली का, और ये अल्लाह ही अल्लाह पर यसीरुन आसान है, यूसर माने आसान, आसानी को बोलते हैं यसीर, आसान को बोलते हैं। तो बेशक ये सारी चीजें अल्लाह पर आसान, इन सब का रिकॉर्ड रखना, इन सब का इल्म रखना अल्लाह के लिए आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि आसमान और जमीन की हर चीज अल्लाह के इल्म है, सब कुछ एक किताब में है, बेशक ये अल्लाह के लिए आसान। वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा लम युनस्सिल बिही सुल्तानन वमा लैस लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन नसीर, वयअबुदूना अबद यअबुदू इबादत करना, वयअबुदूना व और यअबुदूना वो इबादत करते हैं, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह को छोड़कर, मा लम उन चीजों की, लम युनज़िल बिही नहीं उतारी है उनके बारे में अल्लाह ने, युनज़िल यहाँ पे युनज़िलुल्लाह, अल्लाह ने नहीं उतारी उनके बारे में सुल्ताना कोई दलील, वमा लैसा और नहीं, और वो चीजें लैस लहू नहीं है उनको भी उनका इल्म, उनको इल्म, तो वो अल्लाह को छोड़कर उन चीजों की इबादत करते हैं जिनका ना तो उन्हें कोई इल्म है और ना उनके बारे में अल्लाह ने कोई सनद और कोई दलील उतारी है, वमा लिज़्ज़ालिमीन और नहीं है जालिमों के लिए, मिन नसीर कोई भी मदद करने वाला, और वो अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जिनके हक में अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी और ना उनके बारे में उनको कोई इल्म है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ
يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا هو جب تتلى تلا يتلو معنى ہوتا ہے تلاوت کرنا اور تلیا یتلا یہ پیسیو ہو گیا اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت کیا جانا اور جب تلاوت کی جاتی ہے آلے ہی ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بیناتی صاف صاف ہماری صاف صاف آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تعریف عرف یعرف معنی ہوتا ہے پہچاننا تعریف تم جان لو گے فی وجوہ الذین ان لوگوں کے چہروں میں الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا المنکر منکر یہ پہلے بھی آیا تھا ورڈ میں نے آپ کو بتایا تھا نکیر کا لفظ جہاں آیا تھا فکیف کان نکیر تو انکر معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ناپسند کرنا نہ پہچاننا یہ بھی ہوتا ہے نہ پہچاننا ناپسند کرنا تو منکر وہ چیز جو ناپسند کی جائے اور پھر میم مصدر والا ہے یہاں پر یعنی ناپسندیدگی تو ان کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا ناپسندیدگی تم دیکھ لو گے تم جان لو گے پہچان لو گے ان کے چہروں کے آثار سے جو ان کے چہروں کے تاثر ہوں گے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس چیز کو ناپسند کریں یا کادون کادا معنی ہوتا ہے قریب ہونا قروب معنی یا کادون مزار ہے کادا کا یا کادو اور ان کے ساتھ پلورل یا کادونا قریب ہے یستونا ستا یستو ست وطن معنی ہوتا ہے حملہ کرنا یستونا قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں باللزینا ان لوگوں پر جو یتلونا علیہم تلاوت کر رہے ہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں علیہم ان کو آیاتنا ہمارے آتے قل کہہ دو افا انبیوکم کیا میں نہ بتاؤں کیا میں بتاؤں آ معنی استفام کیا کیا انبیو نبا یونبیو تنبی معنی ہوتا بنا کیا میں بتاؤں کم تم کو بشر بری چیز من ذالک اس سے بھی ذالک معنی یہ جو برے تاثرات ہیں تمہارے چہروں پر جو ناخوشگوار جو کنڈیشن ہو گئی ہے اس سے بھی بری چیز میں تم کو بتاؤں النار وہ آگ ہے وعدہ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ اللہ نے الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ بئس المصیر اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے مصیر سارا علامہ نے ہوتا ہے پہنچنا مصیر جہاں پہنچا جائے ٹھکانہ وہ بئس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم منکروں کے چہروں پر برے آثار دیکھتے ہو گویا کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں کہو کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے وہ آگ ہے اس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے انکار کیا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس الوغو زوربا بيان کی گئی مثل ایک مثال ف تو استمعوا غور سے سنو لہو اس مثال ان الذين بے شک وہ جن کو تدعون تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر لن ہرگز نہیں یخلقو خلق یخلق معنی ہوتا ہے پیدا کرنا خالق اسی سمجھتا ہے پیدا کرنا لن یخلقو ہرگز پیدا نہیں کر سکتے زبابا ایک مکی بھی ولو اور اگر اجتمعو اجتماع معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونا اجتمعو لو وہ اکٹھا ہو جائیں لہو اس کے لیے وہ اکٹھا بھی ہو جائیں تب بھی وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے وَإِن اور اگر یہ سلو سلبا یا سلوب معنی ہوتا ہے چھین لینا اور اگر چھین لے ہوں ان سے الزباب مکھی شیئن کچھ لا استنقذو استنقذا
नून काफ जाल से बना है, नकज़ माने होता है बचाना, छुटकारा लेना, तो इस्तनकज़ा छुटकारा हासिल करना, बचा लेना, ले लेना। ला यस्तनकिज़ू, तो नहीं वो वापस ले सकते, मिन्हू उससे, मक्खी से वापस नहीं ले सकते, मक्खी से उसको नहीं छुड़ा सकते। ज़ौफ़ा, कमजोर है, अत्तालिबु मांगने वाला, वल मतलूब और जिससे मांगा जा रहा है वो भी। ए लोगो, एक मिसाल बयान की जाती है, तुम उसको गौर से सुनो। तुम लोग खुदा के सिवा जिस चीज को पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगरचे सब के सब उसके लिए जमा हो जाए, और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो वो उसको उससे छुड़ा नहीं सकते। मदद चाहने वाले भी कमजोर और जिनसे मदद चाही गई वो भी कमजोर। नहीं, कदर की उन्होंने अल्लाह अल्लाह की हक, जैसे कि कदर ही उसका हक है, कदर का। अल्लाह को उन्होंने सही अल्लाह के बारे में नहीं जाना, अल्लाह को सही तरीके से नहीं पहचाना। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह लकवी ताकतवर है, अजीज गलबे वाला है, कभी माने ताकत। उन्होंने अल्लाह की कदर ना पहचानी जैसा कि उसके पहचानने का हमने, बेशक अल्लाह ताकतवर है, गालिब है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास इन अल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह यस्तफी, इस्तफा यस्तफी, सफून से बनाया, माने होता है खालिस कर लेना। सफा माने होता है किसी चीज का साफ खालिस हो जाना, दूसरी चीज को उनका निकल जाना। इस्तफा माने होता है खालिस कर लेना, चुन लेना। अल्लाह, बेशक अल्लाह यस्तफी, चुनता है, मिनल मलाइकति फरिश्तों में से, वह मिनल नास वो लोगों में से, रसूला रसूल पैगंबर, फरिश्तों में से भी अपना पैगाम पहुंचाने के लिए चुनता है, और लोगों में से भी कौन अल्लाह का पैगाम पहुंचाएगा वो अल्लाह इख्तियार करता है, अल्लाह चुनता है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह समीउन सब कुछ सुनने वाला, बसीरुन हर एक चीज को देखने वाला है। अल्लाह फरिश्तों में से अपना पैगाम पहुंचाने वाला चुनता है, और इंसानों में से भी, बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। यालम, वो जानता है, मा बैना अयदीहिम जो उनके सामने है, व मा खल्फहुम और जो उनके पीछे है, वही अल्लाह ही और अल्लाह ही की तरफ तुरजा, रजा यर्ज माने होता है लौटना, और अर्जा माने होता है लौटाना, और पैसिव है इसका उर्जिया, ठीक है। तो तुरजाओ, लौटाया जाता है, अलमूद मामला, तो अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है मामला, तो यानी अल्लाह की तरफ मामला लौटते हैं। वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और अल्लाह की तरफ लौटते हैं सारे मामला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफअलुल खैरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। या अय्युहल्लज़ीना, है वो लोगों जो ईमान लाए, इरकऊ, रकअ इरकऊ माने होता है झुक जाना, इरकऊ झुक जाओ, वजूदू और सजदा रेज हो जाओ, वाबुदू और इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, वफालू और करो, अलखैरा अच्छाइयां, लअल्लकुम ताकि तुम लोग, तुफलिहून फलाह पाओ, अफलाहा माने होता है कामयाब, ताकि तुम लोग तुफलिहून फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। ऐ ईमान वालों, रुकू और सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और भलाई के काम करो ताकि तुम कामयाब हो। وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وجاهدوا، جاهد يجاهد، مجاهدة كرنا
मेहनत करना, कोशिश करना, वजाहिदु फिल्लाह, और जिहाद करो फिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर, हक जिहादी, जैसा कि उसका हक करने का, कोशिश करने का हक है। हुआ वही है जिसने इज्तबा को, इज्तबा माने होता है चुन लेना, जबा माने होता है इकट्ठा करना किसी चीज को, किसी चीज पर डाल के, और इज्तबा अपने लिए इकट्ठा कर लेंगे, चुन लेना। वो इज्तबा उसने चुना तुमको, वमा जाला अलैकुम, और नहीं बनाया अलैकुम तुम पर फिर दीन के मामले में मिन हरज, कोई तंगी। मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, मिल्लत अबीकुम तुम्हारे बाप का दीन, इब्राहिम, इब्राहिम तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन। हुआ उसने सम्माकुम, सम्मा यु सम्मा तस्मिया माने होता है नाम रखना। हुआ सम्माकुम उसने नाम रखा तुम तुम्हारा, अल मुस्लिमीन मुसलमान, मिन कबलु इससे पहले, वफी हाजा हो इसमें, लियकूना ताकि हो जाए अर रसूल, रसूल शहीदन अलैकुम तुम्हारे ऊपर गवाह, वतकून और तुम बन जाओ शुहदा गवाह अलन्नास लोगों पर, फाकीमू लिहाजा ये सब अल्लाह की नियमतें हैं तुम्हारे ऊपर, तो लिहाजा अकीमु सलाह नमाज कायम करो, वा आतु और अता करो दो, आता युति माने होता है देना, वा आतु और दो, अज़्ज़काता ज़कात, वातसिम इतसमा माने होता है मजबूती से थामना, वातसिमु बिल्लाह और अल्लाह को मजबूती से थामो, अल्लाह के हुक्मों को, अल्लाह की रस्सी को, वह मौलाकुम वही तुम्हारा मालिक है, कारसाज है, फनिअमल मौला तो क्या ही अच्छा मालिक है, वनिअमल नसीर और क्या ही अच्छा मददगार है। और अल्लाह की राह में कोशिश करो जैसा कि कोशिश करने का हक है, उसने तुमको चुना है और उसने दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी, तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन, उसी ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा इससे पहले और इस कुरान में भी, ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह बनो, बस नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह को मजबूत पकड़ो, वही तुम्हारा मालिक है, बस कैसा अच्छा मालिक है और कैसा अच्छा मददगार। ये हमारा आज का सबक है, सूरह हज आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई है, आइंदा हम दूसरी सूरत स्टार्ट करते हैं, आप लोग इसको रख लीजिएगा, बस मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।